आज के 2500 साल पहले इतिहास साक्षी है कि इस पृथ्वी पर 15-20 बड़े अद्भुत लोग हुए जिन्होंने पूरी देश की दुनिया की हवा बदल दी। अगर कुछ लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं तो मेरा मानना है कि उनको देख देख कर हजारों लोग, जगह जगह उनकी सुगंध फैलती है, उनका प्रभाव फैलता है और उनकी चेतना का तल स्वतः ऊपर उठने लगता है। आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा, ध्यान रखना, जब भी तुम मेरे पास बैठते हो उस समय तुम वही नहीं होते हो जो मेरे पास बैठने के पहले रहे होते हो। मेरे इर्द गिर्द बैठते ही तुम्हारी चेतना का स्तर ऊपर उठने लगता है, तुम्हारी जीवन ऊर्जा जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे खींची जाती रही है वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त होकर ऊपर की ओर उठते। थोड़ी देर को तुम्हें लगता है कि जैसे तुम कुछ अद्भुत आनंद, शांति और प्रेम के घेरे में पहुंच गए हो। मैं चाहता हूं कि ऐसा घेरा तुम्हारे व्यक्तित्व के इर्द गिर्द भी बनना शुरू हो जाए। आज के 2500 साल पहले इस पूरी दुनिया में बड़े अद्भुत 15-20 लोग इस कोट के हुए जिनका चेतना का तल बहुत ही ऊंचा था, बुद्धत्व की अवस्था में था। हिंदुस्तान की धरती पर महावीर हुए, बुद्ध हुए, प्रबुद्ध कात्यायन हुए, मक्खली गोशाल, संजय बेलट्टीपुत्त अद्भुत लोग थे, संबुद्ध लोग थे। उसी समय चाइना में लाओत्से हुआ, कन्फ्यूशियस हुआ, चांगत्सु हुए। उसी समय यूरोप में अरिस्टोटल हुए, सोक्रेटिस हुए, प्लेटो हुए, प्लेटिनस हुए, संबुद्ध लोग जिनकी चेतना का तल इतना ऊंचा। और उन्होंने अपने देश को, इन्हीं सारी दुनिया को नए जीवन का, नए मनुष्य के आविर्भाव का अद्भुत गौरव प्रदान किया। 2500 साल बीत गए, फिर समय आ गया है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, मैंने कहा आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके भीतर संभावना नहीं है वह होने की जो मैं हूँ, वह होने की जो बुद्ध थे, जो वह होने की जो महावीर थे, जो वह होने की जो कृष्ण और क्राइस्ट थे। हर एक के भीतर संभावना है, सिर्फ एक बात का अंतर है, हो सकते हो तुम लेकिन होना नहीं चाहते हो तुम। वही हो सकता है जो होना चाहता है। हो सकते हो तुम अगर तुम्हारे भीतर प्रगाढ़ संकल्प है कि मैं हो कर रहा हूं और मैं तो अनकंडीशनल जजमेंट जो मेरे प्राणों से निकलता है, बेशर्त निर्णय की घोषणा करता हूं कि अगर आज आपका संकल्प किसी भी चीज को पाने, होने या बनने का बन गया और आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं वचन ही नहीं देता हूं, उत्तरदायित्व भी लेता हूं, आपको वह ना मिले तो मैं उसके लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हूं, हर कीमत अदा करने को तैयार। बस एक ही शर्त आपकी ओर से होनी चाहिए कि आप मुझको उपलब्ध होते रहे, उपलब्ध होते रहे। और आप उपलब्ध होते रहे तो जैसे मेरे गुरु ने मुझसे कहा था वैसे मैं आपसे कहता हूं कि इसी शरीर के अंदर तुम्हें परमात्मा और परमानंद का बोध कराऊंगा, स्रोत दिखाऊंगा और तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम्। जिस जिस चीज की आकांक्षा करोगे, जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा ही तुम्हें मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। और इस जीवन में जो बहुआयामी जीवन है 21वीं शताब्दी का, इसमें मैंने एक आपको क्रिया दी, संजीवनी क्रिया, और उसकी मैंने एक विशेषता बताई कि वो अत्यंत सरल है। बहुत से लोग कहते हैं गुरुदेव तो बहुत सरल है, मैं कहता हूं यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और मैंने कहा 21वीं सदी है,
अब एनलाइटनमेंट को, बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए कोई 12 बरस, 40 बरस या जीवन भर तपस्या और साधना करने की जरूरत नहीं है। एक समय था जब अध्यात्म का विज्ञान उतना विकसित नहीं हुआ था। अब तो हमारे पास इस पृथ्वी पर पैदा हुए हजारों संबद्ध पुरुषों के अनुभव का विज्ञान भरा पड़ा है। उस विज्ञान का उपयोग करके जो उन्होंने 100 साल में किया, 40 साल में किया, 12 साल में किया, वो हम 12 दिन और 12 मिनट में कर सकते हैं।